सुस्वागतम केजी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, हमने अब तक सीखा आ की मात्रा। आ की मात्रा से हमने काफ़ी सारे शब्द भी बनाए, राइट? हमने अच्छे से मात्राओं को जोड़ जोड़ कर नए नए शब्द सीखे। उसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी हमारी आ की मात्रा के साथ किए, और भी कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन और थोड़े दो एक मात्रा सीखने के बाद आज हम सीखेंगे ये क्या है। ये है स्वर, जो मैंने आपको कहा था स्वर की मात्रा लगती है, और किस पे लगती है? व्यंजन पर लगती है। तो ये है हमारी छोटी ई। छोटी ई की मात्रा कैसी होती है? छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है। तो अभी मैं आपको फिर से एक बार मात्रा को लिखा कैसे जाता है वो दिखाऊंगी व्यंजन पर, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि छोटी की मात्रा होती कैसी है। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है? जहाँ भी आपको छोटी ई की मात्रा लगानी हो, छोटी ई की मात्रा लगानी हो, वहाँ पे आप स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे, और उसके बाद इस तरह से ऊपर एक छोटी सी उसकी पूंछ बनाएंगे, ठीक है? तो ये हो गई आपकी छोटी ई की मात्रा। अब इन मात्राओं को हम व्यंजन पे कैसे लिखते हैं? जैसे अगर आपको लिखना है क पे छोटी की मात्रा, तो क पे छोटी की मात्रा मतलब हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क, और इसके बाद सामने छोटी ई की मात्रा, तो बन गया की। क बन गया की। अगर ख पे छोटी ई की मात्रा लगानी हो तो हम पहले लिखेंगे ख, उसके बाद हम लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, तो ये बन गया खी। की, खी, ख में छोटी की मात्रा खी। अब ये जो छोटी की मात्रा होती है ये लंबी नहीं खींचती, जैसे मैंने आपको कहा था ये ध्वनि लंबी नहीं खींचती, की खी, ठीक है? अगर आप ग पे छोटी की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको छोटी की मात्रा सामने लिखनी होगी, उसके बाद ऐसे ग पे टच करनी होगी, तो ये बन गया ग पे छोटी की मात्रा गी। इसके बाद अगर आपको घ पे छोटी की मात्रा लगानी है तो आप इस तरह घ लिखेंगे और उसके बाद छोटी की मात्रा लगाएंगे, तो घ पे छोटी की मात्रा खी। तो हम क्या कर रहे हैं? हम व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगाने से उसकी ध्वनि बदलती है। जैसे क पे छोटी ई की मात्रा की, लेकिन ये ध्वनि ई की ध्वनि लंबी नहीं खींचेगी, की। ख में छोटी ई की मात्रा खी। ग में छोटी की मात्रा घी। घ में छोटी की मात्रा घी। अगर ऐसे ही हमें दिया गया भ, तो हम कैसे लगाएंगे छोटी की मात्रा? पहले हम भ लिखेंगे, उसके बाद हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भ पे जो गोलाकार है उस पर मात्रा नहीं खींचनी है। तो ये हो गया भी। अगर हमें ब पे छोटी की मात्रा लगानी है तो हम ऐसे लिखेंगे ब, और उसके बाद उस पे लिखेंगे छोटी की मात्रा बी। अगर हमें च पे छोटी की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे च, और उसके बाद लगाएंगे छोटी की मात्रा ची। तो बच्चों, आज आपका क्या काम है पता है? मैं आपको एक काम देने वाली हूँ, और वो है आप सारे व्यंजनों पर ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है? जैसे लेकिन आप क्या करेंगे, आप अण, अंगा, इय, इस पर ई की मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो बाकी के व्यंजनों पर ई की मात्रा लगाएंगे, और लगाकर आप इसका उच्चारण करेंगे। उच्चारण करके अपनी कॉपी में लिख लेकर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है? और मैं आपके लिए फिर से एक नए क्लास के साथ हाजिर होंगी कल। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा हंसते रहिए, ठीक है? चलो, बाय बाय।